ढूंढा अपनी चहेती को? नहीं। ओह, फिर तो बहुत बेचैनी हो रही होगी ना? रोशनी का कुछ अता पता नहीं? तंज कर रही हो? तुम इतने परेशान क्यों हो रायान? अपने शौहर के साथ गई है वो, और मैं सारी रात अपने शौहर का इंतजार करती रही। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें कुछ भी बताना फजूल है। जानना चाहती हूं ना मैं, मुझे बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे अकेला छोड़ के तुम उसे ढूंढने के लिए चले गए? क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है, और अगर मैं उसकी परवाह करूं तो मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। रायान, डोंट स्टॉप मी। रायान बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवा रही थी। नहीं, नाश्ता नहीं, बस चाय भेजते हैं दादाजान के पास। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, बीवी है वो तुम्हारी। क्या हो गया आपको मामा? कौन से कोई दूसरे घर से आई है, यहीं रहती थी, कर लेगी जिस तरह रोज करती थी नाश्ता। फर्क पड़ता है मेरी जान, अब तुम्हारी बीवी हो चुकी है, तुम्हें उसकी आदत डालनी होगी। मामा घर में इतनी टेंशन चल रही है और आप मुझे ये काम करने को कह रही है? लेकिन बेटा ये भी बहुत जरूरी है, बीवी के हुकूक ज्यादा होते हैं। मामा मैं किसी और टेंशन में हूं इस वक्त, प्लीज बस चाय भेज देना मुझे। मेरी दो बार बात हुई है अब्बाजान डीआईजी से, तो वो ने अब तक ढूंढ क्यों नहीं सके? कोशिश कर रहे हैं अब्बाजान, जल्द ढूंढ लेंगे। मिस्टर साहब का नंबर मिलाओ, मेरी बात करो। शाम होने से पहले पहले मैं रोशनी को वापस इस घर में देखना चाहता हूँ। अब्बाजान आप टेंशन ना लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक मैं उसे उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं मरूंगा नहीं। अल्लाह ना करे अब्बाजान, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी गलती हुई है अकील, बहुत बड़ी गलती हुई है, जब तक इसे सुधार ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। Everything will be all right. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. वो पुलिस स्टेशन से फोन आया है, वो लोग दोबारा बुला रहे हैं। तो क्या ढूंढ लिया उन दोनों को? नहीं अभी तक तो नहीं, कह रहे हैं कुछ जगहों पे जाना है और तहकीक करनी है, साथ चलो। तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ना। जी जी बस मैं जा ही रहा था। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब घर में सब लोगों के फोन टेप होंगे। वो किसने? किडनैपिंग का केस है। जाहिर है उमर किसी ना किसी से तो राब्ता करेगा, कुछ डिमांड करेगा या तावान मांगेगा। ये बात पहले मेरे जहन में नहीं आई, ठीक कह रहे हो तुम, हमें मोहतात रहना चाहिए। वो बुआ का भी नंबर दिया है उनको, कोशिश करें कि उनको ना ही पता चले। उस कमबख्त को मां की परवाह होती तो नौबत जहां तक आती। बारा ठीक है, हम एहतियात करेंगे। हम जाते हैं पे जान, जैसी कुछ सूरत हाल होती है मैं कॉल करके आप। हाँ बेटा मुझे फौरन इतला देना। ठीक, आप
अकेला छोड़ के तुम उसे ढूंढने के लिए चले गए? क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है और उसको मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है। और अगर मैं उसकी परवाह करूं तो मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता।